हेलो तो बड़ा मैं अपने को स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पहले हुक्का मार ले तू भाई, ठीक है। तो लास्ट टाइम भाई हमने काफी कुछ कर लिया था, यानी कि देखो हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हमारी देखो फैमिली है जो भाई मानता भाई कि मेरी वाइफ बाहर डांसर है, बट भाई अच्छा पैसा कमाती है, क्या दिक्कत चल रही है। हमारा बच्चा मैंने इसे सेंड कर दिया भाई जॉब पर, आसे जॉब आना शुरू कर देगी, मेरे को गुस्सा भी नहीं इस बात से। भाई हमारा बच्चा भाई ये भीख मांग के पैसे कमाता है, तो क्या हुआ भाई, पैसे कमा रहा है, सीख रहा भाई, तो इसे जॉब पे भेज देते हैं। चलो भाई तू भी जा भाई जॉब पर, अभी घर पे वैसे भी कोई काम कुम तो होता नहीं है, ठीक है, तो जॉब पर जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज भाई हमारा इंटरनेट कैफे कितना ही अच्छा लगा चल रहा है तो पता ही है। और तीसरी बात भाई साहब, जो होबो है ना, जो हमारा दोस्त है बेगर पांडे का जो दोस्त है ना, वो हमारा भी दोस्त है भाई। और उसने एक और बार रुका मार लेते पहले, उसने भाई हमें एक ऐसी गन दे रखी जो भाई कहीं नहीं यार, समझ रहे हो ना, उसके पीछे भाई पूरी गवर्नमेंट पड़ रखी है, दूसरे देशों की भी गवर्नमेंट पड़ रखी है, पर वो गन सिर्फ हमारे पास है और उसकी बहुत बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। भाई मैं जा रहा हूँ शॉप पर अपनी, वो गन है ना मैं भाई अपने पास रखता हूँ, पर ये कह रहे गन है ना भारी ज्यादा ना, इसी करके मैं, ये देखो मेरा बेटा है, बेटा तो ये जो गन है ना जो ज्यादा भारी है, इसी करके ना मैं यार उसे कैरी करने में ना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान जगह भी रोकती है वो, इसी करके ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई वो गन है ना मैं अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर दूँ कि ये तू पकड़, इसको भाई सेफ रखना है, घर के अंदर ही रखना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो खाना खा लेते पहले, तो अभी मैं पहले शॉप पर जाता हूँ, शॉप पर जाने के बाद मैं शाम को जाऊंगा ना जब घर पर, तब जाकर मैं अपनी वाइफ को वो गन हैंड ओवर कर दूंगा, ये दोस्त मेरा। तो भाई देखो क्या हाल है भाई तुम्हारे, देखो ये भाई हमारा दोस्त हो, तो इसने मुझसे पूछा है कि भाई गन कहाँ है तुम्हारी, तो मैंने देखो इसे गन दिखाया था, ये रिपाली थोड़ी गन देखो जी, ये थोड़े सामने यहाँ पर चलती भी है, देखो बिल्कुल सही है, मैंने कुछ कोई छेड़छाड़ नहीं है इससे, भाई मार तोड़ सकते हो तुम अभी भी इससे, ये देखो सही चल रही है बिल्कुल। एक और तो मैंने ना भाई होबो पाजी को ना गन चेक करा दिया है, और इस गन को रख लेते हैं अपने पास में, क्योंकि काम आएगी भाई, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की गन है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में। तो मैं आ चुका हूँ अपने कैफे में, और जैसे भाई इलेक्ट्रिक स्विच ओपन कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हर बार ये नीचे करके जाता हूँ मैं और लाइट भी जाता हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ यार अपने कैफे को, बट यहाँ पे लास्ट टाइम में ना मैंने पीसी कुछ रख रखे थे, मैंने उसे सामान लेके आया था और मैंने उसे रखना भूल गया था, तो इसी करके ना मैंने ये सामान है ना पीसी के कुछ पीसी है ना मैंने रख रखे साइड में, मैं इसमें से ना एक वीआर भी बना सकता हूँ और एक पीसी भी बना सकता हूँ। अभी यहाँ पे जो ओल्ड पीसी था मैंने बेच दिया है, आप ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो सेटअप मेरा कैसा हो गया। तो यहाँ पर देखो दो वीआर लगा रखे मैंने आमने सामने, क्या बंदे आमने सामने खेल सके, और इस साइड में गेमिंग वाला, ये क्यों नहीं जल रही भाई एलईडी, क्या होगा इसे इसे जो लगाऊँ कैचे से, भाई साहब ये जल क्यों नहीं दी सफे इधर। अब ठीक है तो यहाँ थी दूसरे, अरे क्या भाई ठीक है इधर लगा देते हैं, तो ग्लिच होगा मे बी शायद से, ठीक है। तो ये भी हो गई है, तो यहाँ साइड में देख रहे हो ये दो इधर गेमिंग वाले कंसोल है, उसके बीच में दो वीआर से सेटअप है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और फिर इसके पीछे की तरफ भी भाई दो कंसोल है, और यहाँ की तरफ ना सारा कंप्यूटर वाला सेटअप है मेरा, यहाँ पर कंप्यूटर से सारे तीन भाई, तीन यहाँ की तरफ है, दो यहाँ पर है, और एक सामने की तरफ ये वाला भी है। तो यहाँ पर भी मैंने एक ऐसे ग्लो वाला कुछ कंप्यूटर वाला डेस्क लगा दूंगा जिससे अच्छा लगे ना यहाँ पर। तो चलो चलते हैं अपने पीसी को ऑन करते हैं और आज है ना कस्टमर को हैंडल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया यार अभी ना हैंडल में, मेरे ना जो कैफे की रेटिंग्स है ना वो बढ़ी नहीं रही है, बहुत कम है यार, 2.5 के ऊपर अटकी रहती है, 2.5 इससे ज्यादा ऊपर जाती ही नहीं भाई, हमें 5 करनी है अपनी रेटिंग। तो ये बूटिंग में टाइम पहले जैसा नहीं लगता भाई, बहुत कम टाइम लगता है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार आज और भी कुछ करा जाए, तुम बता यार मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तो तुम कमेंट मार कर तुम बता सकते हो मुझे कि भाई हम इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 में या फिर किसी और गेम में भी क्या कर सकते हैं, तुम भाई मुझे कमेंट मार कर बताओ, हम वो करने की ट्राई करेंगे। मैंने देखो बिल पे किया है, जल्दी से बिल पे करना है, क्रिप्टो देख लेते हैं क्योंकि मैंने माइनर लगा रखा है ना, तो ये देखो क्रिप्टो ये चल रहा है, एक कुछ पर चल रहा है, और मैंने अभी इसने मेरी इतना कह भाई क्रिप्टो इतना मेरे पास पड़ा भाई साहब, ठीक है इतने रुपए का, तो अभी देख रहे तुम, यानी कि मैं मान लो एक एक डेढ़ कॉइन पड़ा है मेरे पास में इस टाइम पर, तो कोई बात नहीं शेयर रख लेंगे। और जो इसे ना वो भाई वो जो बिट माइनर है ना वो भाई अपना चला रहा है काम, यहाँ देखो कितना ज्यादा सेटअप है, तो अभी दो तीन सेटअप इसमें भाई पहले रुको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम भाई, तो हमें पैसे कमाना है। अभी देखो नीचे की तरफ मेरे पास 2-2.5 लाख 2.5 लाख डॉलर कुछ पड़ा हुआ है, तो हमारे काम आता रहेगा ये, और देखते हैं कि भाई हम क्या क्या और सामान ला सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे और अपग्रेड कर लूँ अपने कैफे को, पर उससे लेना हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। तो मैं काफी देर से यार कैफे में ही हूँ, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई घर जाकर ना अपनी वाइफ को जो मेरी इलेक्ट्रो वेव गन है ना वो मैं जाकर हैंड ओवर कर दूँ यार, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है वो, तो कैफे मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देते ये लोग भाई साहब। तो सारे बंदे भाग रहे हैं और इससे पैसा ले लेते हैं गन्ने से, नहीं तो बेमतलब ये 500 से पिटता फिरेगा अपने यहाँ से इसे करके। चलो भाई चलते हैं अपने कैफे में, और देखो मैं ना बंद बुंद नहीं करता अपना कैफे का ना शटर नहीं कराता, क्योंकि भाई कोई बंदा अगर रहना चाहे तो रात को रह सकता है, बड़ी बरसात बरसात में ना इसीलिए, तो चोरी चोरी होती नहीं ना अपने पास में। चलते हैं ऊपर की तरफ और अपने वाइफ को भाई देते हैं अपना सामान जो भी है, इलेक्ट्रो वेव गन और उसे पकड़ा कर
अपना काम खत्म करे भाई, ठीक है बहुत हो गया भाई, ये बहुत ही ज्यादा महंगी एक तो ऊपर से उसकी भाई, और मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी हो उसे, थोड़ा सा भी उन्हें तो होबो ना भाई मेरी जान खा जाएगा। अब तुम्हें पता ही है क्या भाई, होबो मान भाई इतना माना जाना माना साइंटिस्ट है ना, तुम्हें पता ही है इस बारे में। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये देखो ये दोनों हमारे आ चुके हैं, एक हमारा बच्चा है। तो ये शेखू ने भाई $40 कमा के लाया, ठीक है तो कोई बात नहीं, $40 बहुत होते, इससे पैसे ले लिए मैंने। और ये है हमारी वाइफ सिंड्रेला, इसका भाई इसने भी भाई $519 कुछ कमा के, पिछली बार के भी है इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं इसे। तो चलते हैं भाई इधर रख देते हैं, ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पर कोई दिक्कत दुक्कत चले। तो मैंने से देखो हैंड ओवर कर दिए गन ये, और यहाँ पर भाई देखो अभी हैंड ओवर करने का अंदर अब इसकी जिम्मेदारी है, ये क्या करती है इस गन का, इसे बाहर तो ले जा सकती नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है और सिंड्रेला हमारी पतली है, इसी करके तो मैं इसे हैंड ओवर कर दिया। अभी घर में छुपा के रखेगी गन, और इसको बोल दिया कि भाई सर पूरे पूरे सब तो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसे कि भाई ये इस गन को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई अपनी फैमिली ना, जो अपनी फैमिली वो भाई खतरे में आ सकती है, हो वो कुछ भी कर सकता है इस गन के पीछे, अगर उसे भाई पता चलेगा कि ये गलत हाथों में जा रही है। तो इसी करके मैंने इसे पकड़ा दिया, घर में रखेगी और मैं जा रहा हूँ सोने, और मिलेंगे भाई थोड़ी देर में। मैं ना सुबह उठ के मैंने जाना भी है भाई जॉब पर, होबो से बात भी करनी है कुछ, चलो चलते हैं और फिर साथ में रेस्ट मारते हैं। तो सुबह हो चुकी है और मैं ना बाहर आ चुका भाई अपने कैफे की तरफ। तो वही मेरी वाइफ और मेरा बच्चा भाई शेखू भाई जा चुका था जॉब पर और मैं भी निकल चुका था, इसी करके ना मैं ना जल्दी जल्दी में आया हूँ, तो मैंने ना ज्यादा कुछ सामान देखा भी नहीं, यानी कि देख लो कि मैं ना बस ऐसे छोड़ छुड़ा के आ गया, मैंने नहीं देखा दरवाजा बंद है या नहीं बंद है। ठीक है तो चलते हैं यहाँ पर इसको रिबूट कर लेते हैं, और आज थोड़ा सा काम कुम रह गया थोड़ा बहुत, वो भी काम खत्म करके पैसे पुसे जोड़ के मैं तो आज सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ ना ये कैफे, क्योंकि भाई मुझे चाहिए अपने कैफे की रेटिंग्स, क्योंकि रेटिंग है नहीं अपने कैफे की, बहुत ही ज्यादा काम है। इसे ओपन करो और इस कैफे को ना मैं सोच रहा हूँ रंग बदल देते हैं, एक मिनट यार डार्क डार्क सा ना बड़ा ही अजीब सा हो रखा है, तो एक लाइट सा कलर देखते हैं जिससे ना ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ती रहे। तो ये वाले कलर नीचे वाला सही रहेगा ये, या ऊपर नहीं यार नीचे वाला सही रहेगा, इसे कर देते हैं। और वॉल्स पे हो चुका है ये, फ्लोर मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला ठीक रहेगा, लाल वाला ये अच्छा लगता है मुझे, तो ये वाला कर देते हैं। और ये वाला सही, ये सही ठीक है कोई बात नहीं। और डेस्क दोस्त तो हम क्या करेंगे, चलो भाई ये देखो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्राइटनेस ब्राइट भी लग रहा है हमारा कैफे, और ऊपर से ऊपर वाला जो छत है वो डार्क है, नीचे की तरफ डार्क है। तो भाई चलते हैं, और अपना ना आज का जो भाई है ना हमारा एक एम, वो है एम हमारे कैफे की रेटिंग्स बढ़ाना, वो बढ़ा लेते हैं जल्दी जल्दी करके, क्योंकि जितना ज्यादा कस्टमर हम हैंडल करेंगे बिना किसी देरी के, उतना ज्यादा हमारा रेटिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी कैफे की। और रही बात भाई बेगर पांडे की, तो बेगर पांडे भी भाई आता जाता रहता है, उससे मैंने कुछ बात करनी है भी ना, वो कोई किसी काम में फंसा हो गया हुआ है कहीं, तो इसी करके मेरे को मिल नहीं पा रहा है। और अभी सोच रहा हूँ क्यों ना भाई आज ना एक गेड़ा मार के आ जाऊँ अपनी वाइफ के भाई पब में, ठीक है जहाँ पर वो डांस डूस करती है, तो मैं भी देख लूँ कि अगर कोई छेड़छाड़ तो नहीं रहा उससे, कहीं भाई छेड़छाड़ हो जाए उसके साथ, समझ रहे हो ना तुम, ऐसा चलता रहता है। और रहा भाई अपने बच्चे की बात, तो बच्चा तो भाई बड़ा ही अच्छा है, लगा हुआ भाई काम पे बिल्कुल पूरी तरीके से। और तुम बताओ यार इसमें और क्या क्या चीजें रह रही है, और दूसरी चीजों में भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार नेक्स्ट वाले में मैं कोई कंपटीशन कराऊं, क्यों ना भाई कंपटीशन हो जाए हमारे मेरे फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो कैसा रहेगा तुम मेरे कमेंट मार्कर बताओगे, क्या भाई हम कंपटीशन रख सकते हैं अभी या नहीं। ठीक है तो अभी मैंने ये सारा कुछ इतना भी ना मैं काम कुम खत्म करता हूँ, और उसके बाद में मेरे शाम को घर भी जाना है, क्योंकि भाई समझ लो भाई घर जाना जरूरी है। तो देखो अभी यहाँ पे एक आधी रिक्वेस्ट हो रही है, तो निकलते हैं इसे बंद करके, फिर देखते हैं कि भाई क्या है आगे का सीन, ऊपर जाता हूँ पैसे दे इसके सर पे, क्या है भाई ऊपर कमरे में, ऊपर जो है मैं ऊपर की तरफ देख के आ जाऊँ, क्योंकि यार पता है क्या आज जब आ जा ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो ये बंदे ना सामान हिला देते हैं, और उस करके भाई हमारा सेटअप पूरा खराब हो जाता है, ठीक है समझ रहे हो ना तो सेटअप खराब होता है। तो ये देखो ये खेलने में लगा हुआ है VR में, और यहाँ की तरफ कंप्यूटर चला रही है मैडम, और यहाँ की तरफ भाई दो और औरतें बैठी हुई है। तो एक मिनट बाहर भाई मुझे ना कि कभी अभी मैसेज आया है कि होबो ने मुझे बाहर की तरफ बुलाया है और उससे मुझे बात करनी, तो बाहर की तरफ होबो वेट कर रहा है मेरा। तो होबो है कहाँ पैसे दे, तो यहीं कहीं है, तो ये होबो ये खड़ा हुआ, इससे बात करते हैं। हाँ भाजी क्या हाल है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पर भाई भसूड़ी फंस चुकी है, होबो ने बताया कि भाई जो तूने इलेक्ट्रो गन रखी थी ना वो चोरी हो चुकी है, वो मुझे पता, वो तेरे पास नहीं है भाई, इससे पता नहीं कैसे चला, पता चलिए भाई मैंने वो घर पे रखी थी, और मुझे डर लग रहा है कि वो घर से यार गायब ना होगी, मुझे घर जाकर देखना पड़ेगा, मैं सीधा जाता हूँ घर पर, वो घर जाकर देख लेता हूँ यार। पर यार क्या पता भाई मजाक भी कर रहा हूँ यार ये, मैं चलो कोई बात नहीं मैं काम करता हूँ इसको, ये भाई मजाक ही कर रहा है, तो मैं ना आज ना पूरे कैफे का काम खत्म करके ही उसके बाद में जाऊंगा। भाई ऐसे भी कौन मजाक करता है यार, शायद से मजाक कर रहा हूँ ये, मैं भी शायद से यार मजाक भी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो चोरी हो नहीं सकती गन, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को हैंड ओवर करी थी और उसने गन संभाल के रखी होगी। तो चलो चलते हैं,
तो भाई काफी देर से काम कर रहा हूँ मैं, और मैंने ना भाई अब घर जाने का टाइम हो गया मेरा, तो मैं ना इस कैफे को बंद करके मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और देख के आ भी जाओ इसी बहाने में देख भी लूंगा कि भाई क्या है सीन क्या है, समझ लो ना कि भाई मोबो ने क्यों बोल दिया कि भाई वो जो तेरी गन है ना भाई मेरी वाली गन है वो गायब हो चुकी है, और मुझे वो गन चाहिए जल्दी जल्दी, मुझे काम ऐसे बंद कर दो और चलते हैं भाई अपने घर की तरफ। तो यहीं कहीं है भाई अपना घर, अब काफी दूर है वैसे तो। और मुझे ना भाई सही में भाई मेरा ना दिमाग बिल्कुल भी कंफ्यूज हो रखा, क्योंकि अगर वो गन चोरी हो गई होगी ना और भाई वो नहीं मिली मुझे, तो भाई मेरा कैफे ले भाई और अपनी भाई मेरी जान जून भी जोखिम में आ जाएगी भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है भाई, उसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हैं उस गन के पीछे, और मैंने अगर वो गन घुमा दी तो भाई अपना तो पता नहीं क्या ही होगा। होप भाई छोड़ेगा नहीं मुझे, मुझे जहां तक लग रहा है ना, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा अपना, क्योंकि कैफे कूफे छिन जाएगा भाई, पैसे वैसे सारे छिन जाएंगे। होबो दिखने में ऐसा ऐसी रिप्सा भाई बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है वो। चलो देखते हैं क्या पता भाई होबो को गलत फहमी हुई हो। सिंड्रेला कहाँ है सिंड्रेला? अरे यार सिंड्रेला मैंने गन दी थी, कहाँ पर रखी है वो? ठीक है तो सिंड्रेला को भाई बात करता हूँ मैं। ठीक है तो सिंड्रेला ने बोला कि मैं ना ढूंढ के दे देती हूँ थोड़ी देर में, तब तो तुम रेस्ट वेस्ट मारो, तो हम जा रहे हैं अभी सोने। ठीक है इनसे मैंने पैसे पूसे ले लिए, डोर को मैं बंद कर दूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कुछ भी रिस्क हो। तो मैंने इसे दी थी ना गन, तो इसने बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ के थोड़ी देर में दे देती हूँ गन, तुम रेस्ट मार लो। तो भाई अभी रात हो चुकी है, तो मैं ना सुबह ही गन के बारे में इससे पूछूंगा। पैसे मैंने दोनों से ले लिए कि समझ लो ना कि यूज ना कर पाए कहीं, क्योंकि पैसे भाई जरूरी है। तो चलो चलते हैं सोने। तो अभी तो भाई अपना सोना चल रहा है, और भाई सुबह हो चुकी है, और अभी मैंने सिंड्रेला से पूछा है ठीक है कि भाई गन कहाँ है, और ये बोल रही है मुझे गन नहीं मिल रही है भाई, के कहाँ रख दिए इसने गन, और इसने मुझे बोला कि सोफे के इस साइड में कहीं मैंने गन रखी थी। इन दोनों को ये गन के बारे में कुछ भी नहीं पता भाई। मैंने ये बोल देखो रुको एक मिनट इसमें क्या है, इसमें खाना भर दो यार मैं पैसे, मेरे को लग रहा है भाई कोई बहुत बुरा वक्त आने वाला अपने ऊपर। तो नहीं से बोला कि सोफे के इस साइड में मैंने गन रखी थी इस साइड में, बट इधर की तरफ गन है नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई गन वो। और भाई इसके मैं क्या ही बोलूं भाई, इसने ना भाई हमारी गन घुमा के रख दी। वो मैं ना भाई समझ जा रहा मैं किस तरह से होबो को बताऊंगा भाई, वो उसकी गन मेरे घर से चोरी हो चुकी है। अब जिसको एक जिम्मेदारी दी थी सिंड्रेला को वो ही इसने पूरी नहीं की, क्या होगा यार। मैं चलो ठीक है काम करते हैं कि ना बात करके देख लेते हैं होबो से, और देखते हैं कि होबो क्या बोलता है। मे भी वो यार हो सकेगा तो समझेगा सिचुएशन को, पर भाई वो जो गन है ना उसके पीछे भाई इतने सारे बंदे पड़े हैं, तो बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है, और वो समझ ही लो यार कितना ज्यादा जरूरी है वो। तो होबो यार यहीं कहीं घूम रहा है, कहाँ का भाई होबो? मैं यहाँ देख लेता हूँ एक बार को, यार यहाँ नहीं है तो हो वो दिख नहीं रहा भाई, और मैं ना देखते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ तो नहीं ना कहीं गन इससे चुरा रखी ना भाई, इसके पास भी गन नहीं है इस साइड में, ठीक है इस साइड में नहीं है, मे भी यहीं कहीं होगा यार। हो से बात कर लेते, और ये स्कूल भाई मेरे शॉप के यहाँ घूम रहा है भाई, इससे पता चल गया कि गन गायब हो चुके हैं। हो वो भाई तेरी ना गन गायब हो चुकी है, और मैं क्या बोलूँ यार किस तरह से बोलूँ तुझे, समझ नहीं आ रहा। रुको एक मैं बस इतना बोलूंगा कि गन गायब हो चुकी है यार, मैं ढूंढ के दे दूंगा जल्दी। तो भाई होबो से मैंने बात कर लिया, और होबो को मैंने सारी सिचुएशन समझा दिया, और इसने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि भाई गन नहीं है तेरे पास में, तो मुझे या तो गन चाहिए, नहीं तो भाई जो तेरे कैफे में पैसे हैं तेरे वो सारे चल जाएंगे, प्लस भाई तेरा कैफे भी तेरा नहीं रहेगा, और भाई तेरे ना दिन बुरे आ जाएंगे, बहुत बुरे आएंगे। तो भाई मैं क्या करूँ भाई, मैं इसके ना गन में ना भाई ढूंढना चाह रहा हूँ मैं, और मेरे को मिल नहीं रही है, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ भाई। मेरी जो सिंड्रेला वाइफ है ना उसने बहुत बुरा करा यार, ये पता नहीं कैसे सामान रखा हो भाई, होबो की गन गायब करा दी है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में भाई कि क्या होता है, और आज के लिए इतना ही। वीडियो चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी कर दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और मैं बैट उठा के ना भाई मेरे को बड़ी कुंभ मैं सबको मारता फिरूंगा। रुक जाता कहाँ घूम रही, कहाँ घूम रही, इधर इधर तेरे को ये ले, तुम दोनों को सेट। अब बैट गायब होगा, भागना पड़ेगा भाई, भाग दीजिए।